ये मस्जिद हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह दे बेटे हजरत फखर जहां सईं दे नां दे उत्ते कायम है। और ई मस्जिद हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने हत्थे मुबारक नाल मजदूरी की है। और चाचना शरीफ के अंदर ये मस्जिद हुण भी अपनी असल हालत मौजूद है। इंदी छत दे उत्ते बहुत सोहना काम किया गया। तोने धिकड़े धोड़े खानी आ तेरे नाँ ते मुफ्त विकानी आ तेरे बांधियां दी मैं बांधनी आ हे दर्दे कुत्तियां नाल अदब वाह सोना ढोलन यार सजन वाह सांवल होत हिजाज वतन आ देख फरीद द बैत हुजन हम रोज अजलती तांग तलब इथा मैं मुठड़ी नित जान बलब था खुश वसदा विच मुल्क अरब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं मौजूद हाँ चाचना शरीफ के अंदर ते ई जा दा नाम है फरीद महल। इथा हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद सईं अपनी जिंदगी दा बेशतर हिस्सा गुजारे। जड़ी मेरे पिछो इमारत मौजूद है ये मस्जिद है ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ही मस्जिद के अंदर कुरान पाक पढ़ते हैं और इबादत करते हैं। और ख्वाजा साहब दा तुहाकूं महल भी दिखेनु और जिथा उन्हें दी जाए पैदाइश आई और वो सारी जगह ही भी दिखेनु ही वीडियो च। अच्छा ख्वाजा गुलाम फरीद सईं अच्छा पढ़वे दिन ना ना की सामान सारे सही है का फक दे ना असा पढ़ से भला कोई हाल तक कोई काम शाम कने। अच्छा सुभान अल्लाह आज से झूला वे छातू तो अभी ढटी जानी। अच्छा कनी अच्छा ये आप से झूला वे वाह वाह देखो ना मैं ना हूं खड़े। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह सन 1845 चाचना शरीफ दे ई मकाम दे उत्ते पैदा थे हन। ए आप दा अबाई घर है जिथा आप अपना बचपन गुजारिए और जिंदगी दा बेशतर हिस्सा ई मकान दे अंदर गुजारिए। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह एक सूफी शायर हन जिन्हें अपनी शायरी दे जरिए सूफियाना अंदाज च अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाल मुहब्बत दा इश्क दा दर्स दिते और नाल ही उन्हें इंसानियत नाल मुहब्बत करन दा दर्स दिते। फरीद महल तारीखी हवाले नाल बहु अहमियत दा हामिल है क्योंकि इंदे विच एक वली उल्ला अपनी जिंदगी दा बेशतर हिस्सा गुजारिए। फरीद महल नवाब सादिक खान अब्बासी सन 1894 के अंदर तकरीबन 8 कनाल रकबे के उत्ते तामीर करवाया हा। ई महल के नाल ही फरीद मेहमान खाना भी मौजूद है जेरा के नवाब साहब ने आप दे मुरीदें दे वास्ते बनवाया हा। आज भी वो मेहमान खाना मौजूद है और आप दे सजादा नशीन उत्थां बह के लोगें दी मेहमान नवाजी करें दिन। फरीद महल के अंदर चार बहु वड़े वड़े हाल मौजूद हैं जिन्हें दियाँ छत्तां लकड़ी नाल बनाया गए हैं। और फरीद महल के अंदर तकरीबन 8 कमरे भी मौजूद हैं। ये एक खूबसूरत महल है जरा ऊँ दौर के अंदर ई तरीके नाल बनाया गया है। बाहरले दीवारें दे उत्ते फारसी दे शेर भी लिखे खड़न। ये ख्वाजा गुलाम फरीद सईं दी मस्जिद है जिंदे विच आप बह के इबादत करेंदे हन और अल्लाह दा जिक्र करेंदे हन। ते ई महल दे अंदर एक कमरा भी मौजूद है जरा ख्वाजा साहब खुद इस्तेमाल करेंदे हन और उत्थों बह के आपको कई दफ़ा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत ते मदीना दी ज़ियारत नसीब थई है।